इन्फिनिक्स हॉट 10 लॉन्च हो चुका है इंडिया में एंड 6GB 128GB सिर्फ 10,000 रुपए में देखने को मिलता है। एंड ऐसा नहीं है कि जो उसकी अदर स्पेसिफिकेशन है वो कुछ बेकार देखने को मिलती है, कुछ कम देखने को मिलती है, काफी सॉलिड स्पेसिफिकेशन के साथ हमें ये डिवाइस देखने को मिलता है 10,000 प्राइस टैग के हिसाब से। एंड आज हम इसी डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज प्रियांशु, आई एम वॉचिंग टेक रूबर्स एंड आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 की। सो सबसे पहले एक नज़र इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ हम डालते हैं कि देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन ये हमें प्रोवाइड करवाता है 10,000 के प्राइस टैग के अंदर। तो स्क्रीन से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे 6.78 इंच का हमें एक HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कई लोग बोलेंगे यार फुल HD+ नहीं है, बट आई थिंक इस प्राइस रेंज के अंदर डेफिनेटली एक काफ़ी डिसेंट चॉइस है बिकॉज आपको जो रैम वगैरह है ज़्यादा देखने को मिलती है। देन 128GB की रैम है, हीलियो G70 जैसा पावरफुल चिपसेट जो बजट कैटेगरी में फिलहाल काफ़ी पावरफुल चिपसेट है वो हमें देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्मेंस देखने को जाएगी। देन क्वाड कैमरा सेटअप है 16+2+2 प्लस एक लो लाइट सेंसर है, तो जिस वजह से एक क्वाड कैमरा सेटअप बन जाता है नाम के लिए। अब फ्रंट की तरफ पंचोल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि यू नो रेयर है इस प्राइस पॉइंट में, एंड उसमें आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5200mAh की बैटरी मिलती है, 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, बट जो बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग देखने को मिलेगी वो 10W की देखने को मिलेगी। सो आप डेफिनेटली जो अलग से एक 18W का चार्जर खरीद सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट करता है, तो अगर आपको खरीदना होगा 18W का चार्जर आप बाहर से जाकर खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल मतलब डिटेल में इस चीज की, तो सबसे पहले डिस्प्ले से शुरुआत करता हूँ। देखो डिस्प्ले एक चीज बढ़िया है कि इसमें एटलीस्ट आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है एंड एक पंच होल डिजाइन देखने को मिल रहा है जिस वजह से मॉडर्न लुक हमें देखने को मिल जाता है। पीछे के अगर मैं जो रियर पैनल है इसका उसकी बात करूँ तो थोड़ा सा ना सैमसंग के M-सीरीज की जैसा लगता है इसका कैमरा सेटअप और जो डिजाइन वगैरह है। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। जो डिस्प्ले है वो HD+ है, कई लोग बोलेंगे फुल HD नहीं है, बट आई थिंक इस प्राइस पॉइंट में ज़्यादातर फोनों में हमें देखने को मिल जाती है HD+ ही देखने को मिलती है। सिर्फ रेडमी के कुछ स्मार्टफोन है जो फुल HD+ हमें प्रोवाइड करवाते हैं, बट इसके पास अपने कुछ एडवांटेज हैं उन फोनों के मुकाबले। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस में, तो हीलियो G70 एक पावरफुल चिपसेट है, एंड पावरफुल से मेरा मतलब है रियली काफ़ी पावरफुल चिपसेट है 10,000 से 12,000 के अंदर। एंड जो परफॉर्मेंस है उसका जो GPU परफॉर्मेंस और CPU परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। 2 GHz में क्लॉक्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.7 GHz का बेस स्पीड है, सो काफ़ी अच्छी चिपसेट हमें देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस वाइज आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। कैमरा, तो कैमरा में देखो मैं सेकेंडरी कैमरा की बात नहीं करूंगा बिकॉज आजकल क्या हो रहा है बजट कैटेगरी में, अब इवन मिड रेंज कैटेगरी में क्वाड कैमरा से नाम नाम के हो रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है यार थोड़ा मतलब मार्केटिंग में अच्छा लगता है, तो 2-3 कैमरा 2-2 MP के और डाल दो और एक लो लाइट सेंसर, मतलब 2 MP से भी कम मेगापिक्सल होते हैं उसके, तो आप सोच सकते हो कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें नहीं दिखता। बट इसमें प्राइमरी कैमरा 16 MP का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में, बिकॉज जहाँ 13 MP से एटलीस्ट आपको डिटेल्स ज़्यादा देखने को मिलेगी। कैमरा परफॉर्मेंस कैसी होगी वो रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस जब हम उस यूज़ करेंगे इस डिवाइस को तभी पता चलेगा। फिलहाल हम ये सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी बिकॉज नोट 7 से हमें अच्छी इन्फिनिक्स का जो नोट 7 था उसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है 48 MP के साथ अच्छी है। तो मतलब जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स वगैरह है इन्फिनिक्स भी अच्छे खासे यूज़ कर लेता है, तो 16 MP से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें एक अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं बैटरी की, तो 5200mAh बैटरी एक्चुअली इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी है। देन आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, आप 2 10W का चार्जर है इसके प्राइस के मतलब इसके बॉक्स के अंदर, बट आप खरीद सकते हैं मतलब इसके अलग से खरीद सकते हैं उसको। एंड 5200mAh बैटरी ये इंश्योर करके रखेगी कि एक दिन आराम से आपका ये डिवाइस चल जाए बिकॉज यहाँ के तो HD+ स्क्रीन है, तो जो बैटरी कंजप्शन है स्क्रीन कम करेगी। एंड जो आपको हीलियो G70 चिपसेट इसमें देखने को मिल जाती है वो 12nm फैब्रिकेशन में बेस्ड है एंड काफ़ी पावर एफिशिएंट चिप है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल पावर एफिशिएंट स्मार्टफोन देखने को मिलता है। एंड अच्छी बैटरी का मतलब है फोन आराम से एक दिन चल जाएगा। एंड 6 128GB वेरियंट जो हमें देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज के अंदर, आई थिंक कि जो स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है इस प्राइस के अंदर। एंड आराम से बोल सकते हैं उसको ये जो चीपेस्ट 6GB रैम स्मार्टफोन है एंड 128GB तक की स्टोरेज हमें देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छा ओवरऑल जो पैकेज है हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स हॉट 10 में। अगर आप अभी सोच रहे हो इस डिवाइस को लेने का तो डेफिनेटली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन देखने को हमें मिलता है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी अच्छी मिल रही है, अच्छा कैमरा प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है, डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, अच्छी रैम अच्छी स्टोरेज देखने को मिल रही है, सो ओवरऑल एक फुल्ली पावर्ड यू नो स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है पावर पैक। अब आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है इस डिवाइस के बारे में, और आपको लगता है कि इससे भी कोई बेटर डिवाइस है इस रेंज में इस प्राइस में 10,000 में?
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको ये फोन कैसा लगा, आप खरीदना चाहोगे नहीं खरीदना चाहोगे, आप ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, एंड अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज एंड लीक से अपडेटेड रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ।